हम जिस ड्रग्स माफिया की बात कर रहे हैं उसका नाम है पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैवेरिया। पाब्लो एस्कोबार को पूरी दुनिया में किंग ऑफ कोकेन के नाम से जाना जाता था। अमेरिका के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंट रहे स्टीव मफी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाब्लो के पास पैसों का अथाह भंडार था। इतना ही नहीं, पाब्लो को मारने के लिए दुश्मनों ने 16 अरब रुपए खर्च कर दिए थे। 2 दिसंबर 1993 को पाब्लो एस्कोबार को कोलंबिया पुलिस ने मार गिराया गया था, लेकिन मौत से पहले उसने पुलिस और सैनिकों को खूब छकाया था। पाब्लो ने कोलंबिया में भीषण आतंक मचा रखा था। कार उड़ाना या किसी बड़े नेता की जान लेना उसके लिए मामूली बात हो गई थी। उसका सपना था कि वो कोलंबिया का राष्ट्रपति बने। 1970 के दशक में पाब्लो कोकेन के अवैध कारोबार में आया था और माफिया के साथ मिलकर मेडेलिन कार्टेल बनाया था। पाब्लो एस्कोबार के ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने सरकार पर दबाव बनाकर अपने लिए खास जेल खुद ही तैयार कराई थी। उसने यह शर्त रखी थी कि जेल के कुछ किलोमीटर तक पुलिस नहीं आ सकती है। पाब्लो के पास 800 से ज्यादा मकान थे। उसके पास 6500 वर्ग फीट का बंगला अमेरिका में था, जो फ्लोरिडा के मियामी बीच पर स्थित था। इतना ही नहीं, उसने कैरिबियन में आइला ग्रांडे नाम का कोरल द्वीप खरीद लिया था। एक समय ऐसा था कि अमेरिका में सप्लाई होने वाले कोकीन के 80% हिस्से पर पाब्लो का कंट्रोल था। कोकेन से उसकी कमाई इतनी अधिक थी कि फोर्ब्स मैगजीन ने उसे दुनिया के 10 सबसे धनवान लोगों में शामिल किया था। ऐसा कहा जाता है कि पाब्लो एस्कोबार के पास इतना पैसा था कि उसे चूहे कुतर देते थे। कई बार तो नोटों की गड्डियों को दीमक चाट जाते थे।